हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल एंड होम कुकिंग। मैं आज आपको मखाने की खीर कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। मखाने की खीर बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है। देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने एक बड़े कटोरे में मखाना ले लिया है, 2 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है, 7 से 8 बादाम, 2-3 इलायची और मैंने आधी कटोरी शक्कर ले ली है। तो अब हम खीर बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है। कढ़ाई को गरम होने देंगे और उसमें मैं घी डालूंगी। और घी जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम उसमें मखाने डालेंगे और धीरे आंच में धीरे धीरे करके हम इसे चलाएंगे। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके मखाने को भूनना है। और मैंने दूसरे साइड में दूध भी पकने को रख दिए हैं और हम इसे बार बार थोड़ा थोड़ा तोड़ के बीच बीच में देखते रहें। अगर ये अच्छे से टूट रहा है यानी कि मखाना अच्छे से भुन चुका है। इसे 4 से 5 मिनट मखाने को भुनने में लगेंगे। हमें तेज़ आंच में बिल्कुल भी मखाने को नहीं भुनना है, इससे मखाना जल भी सकता है और अंदर तक नहीं भुनेगा। अब मैंने थोड़े से मखाने को निकाल लिया है, इसको मैं छोटे टुकड़े करके डालूंगी। ये माना मखाना भुन चुका है, ये फुल क्रीम दूध है। इसे हम धीरे आंच करके करेंगे और चलाते हुए इस तरह से दूध डालेंगे। सारा दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है और हमें धीमी आंच में मखाने को पकाना है जिससे हमारा दूध जले नहीं और आराम से धीरे धीरे करके मखाना पक जाए। 5 से 10 मिनट के अंदर हमारे मखाना पक जाएगा। ये देखिए, जो मैंने मखाने बचाए हुए थे मैंने उसको हाथ से इस तरह से तोड़ लिया है छोटा छोटा। आप चाहे तो किसी से कूट भी सकते। अब हमारे मखाने में उबाल आ चुकी है। अब हम ये छोटे टुकड़े मखानों को भी इसमें ऐड कर देंगे जिससे ये भी अच्छी तरह से पक जाए और हमारी खीर इससे गाढ़ी बनेगी। इसलिए मैंने छोटे टुकड़े करके उसमें ऐड किया है। ये देखिए, अब इसमें एक उबाल आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें शक्कर मिलाऊंगी इस तरह से और अच्छे से चलाऊंगी जिससे हमारी शक्कर भी अच्छी तरह से दूध में मिल जाए। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं मखाने का एक टुकड़ा निकाल कर इस तरह से चेक करूंगी कि ये पक चुका है कि नहीं। इस तरह से मैं चम्मच की मदद से इसे दबा कर देखूँगी। ये अभी अच्छी तरह से नहीं पका है, हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। और दूध अब हमारा गाढ़ा हो चुका है और ऑलमोस्ट पक चुका है। ये देखिए, अब मेरी खीर बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारी खीर बनकर तैयार है। अब हम एक बाउल में खीर निकाल लेंगे इस तरह से। अगर आपको गरम खाना पसंद है तो गरम खाइए। और इस तरह से काजू बादाम किशमिश डालकर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे मखाने की खीर बनकर तैयार हो चुकी है जो कि बहुत ही यम्मी दिख रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।